गाजीपुर से अमित उपाध्याय, मंडल ब्यूरो की खास रिपोर्ट। मार्च तक होगा SB पब्लिक स्कूल में बच्चों का एडमिशन। स्कूल में उच्च शिक्षा के साथ दिया जाता है संस्कार। कारंगा के गोशंदेपुर में स्थित है SB पब्लिक स्कूल। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां करंदा क्षेत्र के गोशंदेपुर स्थित SB पब्लिक स्कूल में मार्च भर बच्चों एडमिशन होगा। यह जानकारी स्कूल के व्यवस्थापक रामानंद दुबे ने दी है और बच्चों के अभिभावकों से बच्चों के एडमिशन कराने के लिए निवेदन किया है। आपको बताते चले कि SB पब्लिक स्कूल में बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार और खेल कूद की सुविधाएं भी दी जाती है। आज हम SB पब्लिक स्कूल गोसंदेपुर करंडा गाजीपुर में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि जनपद में ये पहला विद्यालय है जहां से दो बच्चे विद्या ज्ञान के लिए सेलेक्ट हुए हैं। विद्या ज्ञान ठीक वैसे ही है जैसे कि CHS और नवोदय विद्यालय है। यहां के जो व्यवस्थापक हैं श्री रमानंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। अब एडमिशन का भी वक्त आ रहा है, क्या पैरामीटर होते हैं जिन पैरामीटर पे इनके यहाँ एडमिशन होता है, और जो विद्या ज्ञान है किस तरीके से इन्होंने बच्चों को तैयार किया जिसकी वजह से पूरे जनपद में केवल इन्हीं के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, क्या दे रहे हैं बच्चों को, किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। आपके यहाँ दो बच्चे विद्या ज्ञान में सेलेक्ट हुए हैं, क्या बताएंगे विद्या ज्ञान क्या है? विद्या ज्ञान एक नवोदय और सेतु जैसा ही एक शिक्षण संस्थान है जी, जो कि बच्चे अब तक 2-4 साल से चल रहा था, किसी को पूरी जानकारी नहीं थी। जब लोगों को जानकारी हुई, इसमें बच्चे इंटरेस्ट लेना शुरू किए और फार्म भरवा करके परीक्षा की तैयारी करवा करके उन बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट कराया गया। जो अच्छे बच्चे थे, लगभग बच्चे अपने हाथ में ज़्यादा थे, मगर शुरुआती जो प्रारंभिक परीक्षा थी इंट्रेंस एग्जाम, उसमें 6 बच्चे का सिलेक्शन हुआ जो कि अपने जिला स्तर पर था। इसके बाद प्रदेश स्तरीय जो परीक्षा हुई उसी तापुर में हुई, उसमें हमारे 2 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए जी। जिन 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अब वो बच्चे जब विद्या ज्ञान में जाएंगे तो उन्हें क्या सुविधाएं? अपनी जानकारी के अनुसार वहाँ पर सब कुछ उन बच्चों को, वो संस्था जो है खाना, कपड़ा, ड्रेस और जो भी उनकी आवश्यकता हो सब वहाँ से पूर्ति की जाएगी। तो वहाँ पर एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए तैयार व्यवस्था के साथ दी जाएगी, ताकि बच्चे जनपद में, पूरे गाजीपुर में केवल आप ही का विद्यालय ऐसा है जिसके यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? नहीं, नहीं। और भी अपने करंडा क्षेत्र से और विद्यालय हैं। नया सत्र शुरू हो रहा है, हम सभी जानते हैं कि जब सत्र नए शुरू होते हैं तो हर अभिभावक ये चाहता है कि उसके बच्चे का जो एडमिशन है वो एक अच्छी संस्था में हो, एक अच्छे विद्यालय में हो, जहाँ उसे एक अच्छी, यदि हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करें यानी कि राइट टू एजुकेशन की बात करें, तो उसके तहत आपके यहाँ कितने बच्चों को शिक्षा दी जाती है? सत्र 2021-22 में हमारे पास 12 बच्चे थे जिनको विद्यालय शिक्षा के अधिकार के तहत उनको शिक्षा दिया है, और जो विद्यालय से उनको सहायता देना पड़ा मैं दिया हूँ और आगे भी देने का प्रयास करूँगा। यदि हम बात करें पेरेंट्स मीटिंग की, अभिभावक मीटिंग की, तो आपके विद्यालय पे अभिभावकों की मीटिंग कैसे होती है, अभिभावकों की मीटिंग कितनी जरूरी है? पेरेंट्स मीटिंग विद्यालय के उत्थान और बच्चों के विकास में अगर 100% हो जाए तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा का जो वास्तविक सुधार होना चाहिए हो जाएगा। मगर कुछ ऐसे गार्जियन हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो महत्वपूर्ण है या नहीं है, शिक्षा क्या इसके आड़े आती है? नहीं, शिक्षा वो मुख्य है क्योंकि बिल्डिंग नहीं पढ़ाती है, अध्यापक पढ़ाता है। वो दिखावे के लिए लोग बिल्डिंग बना करके समाज में एक कमाई करने के लिए
मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, किसी विद्यालय का अपना अपना ढंग होता है चलाने का, मगर जो आवश्यकताएं हैं बैठने की, शिक्षा देने की, जो मूल रूप से जो उनकी आवश्यकता है उसकी व्यवस्था समय समय पर मैं करते रहता हूँ। और दिखावे के लिए मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, सभी लोग जानते हैं। यानी कि आप कहना ये चाहते हैं कि एक विद्यालय का जो मूल उद्देश्य होता है वो शिक्षा देना होता है, बिल्कुल अपने बच्चों को शिक्षित करना होता है, अच्छे संस्कार देना होता है। आप उसमें विश्वास करते हैं, उन बिल्डिंगों में नहीं, उन ईंटों में नहीं? बिल्कुल नहीं। आपके जो बच्चे हैं उनमें आप उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं? जब बच्चे आते हैं जो साधन वाले हैं, गेट पर हमारी ड्यूटी रहती है, मैं स्वयं करता हूँ। बच्चे गाड़ी से उतरते हैं उनको सीधा क्लास कैंपस के अंदर भेजता हूँ, और जो पैदल वाले बच्चे होते हैं रोड से इस पार से उस पार तक अपने विद्यालय के सामने उनको मैं क्रॉस कराता हूँ। आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है? ट्रांसपोर्ट बसें हैं, कुछ छोटी गाड़ियाँ हैं जो कि बच्चे आते जाते रहते हैं। बच्चे जब तक आ नहीं जाते हैं, बच्चों के चौमुखी विकास के लिए, ताकि उनका मानसिक, उनका शारीरिक, उनका नैतिक, उनका विकास हो सके, इसके लिए आपके विद्यालय में किस किस तरह की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं? उनके लिए जो है मैं प्रत्येक संडे को स्वयं अपने योगा और प्राणायाम बच्चों को मैं स्वयं सिखाता हूँ। प्रतिदिन प्रेयर के समय पहले 20 मिनट पीटी होती है, और हिंदुस्तान गाइड स्काउट गाइड के द्वारा साल में एक बार बच्चों को प्रेरित करके उसमें पार्टिसिपेट करवाता हूँ, बच्चे उसे भी सीख लेते हैं। शनिवार के दिन बच्चों को हाफ टाइम के बाद, कुछ बच्चे खेलकूद में इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको, छोटे बच्चे हैं उनको